दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के एस चौहान से ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ ने संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें के एस चौहान ने दुर्ग सहित प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों, प्रदेश सरकार के कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा की। पेश है संक्षिप्त चर्चा के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज की मुलाकात में। और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान जी। यहाँ के एस चौहान जी जो कि एक ऐसे पर्सन या एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि राजनीति इनके मतलब रगों में बसी है, और हम आज इनसे राजनीति क्षेत्रों या फिर अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय किस तरह की है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं जानना चाहूंगी कि केंद्र में मोदी सरकार सत्तासीन है और राज्य में भी सरकार है, और इसके इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जा रहा है, और इन दिनों जैसे कार्यकर्ताओं का भाजपा के कई मोर्चा पदाधिकारियों का और अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस की तरफ कूच करना भी जारी। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसकी जो नींव है, बेस है, वो कैडर है। कैडर मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा ही उसकी सब कुछ है, वो उसी के पीछे चलती है, उसी की अनुयायी है। अब रही बात कि जो पार्टी बदलते हैं या उस विचारधारा को से सहमत नहीं होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इलाके में दो होटल है, एक बड़ा होटल है, एक छोटा होटल है। बड़े होटल में अधिकतर लोग जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर दो चीजों से पार्टी या कोई भी चीज हम डाइवर्ट करते हैं, हम बदलते हैं, वो ऐसा होता है कि जो बड़ा होटल है अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो रही है, सर्विस लेट है, तो हम उसको छोड़ के फिर छोटे होटल में जाना चालू कर देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर उस होटल में ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लंबी लाइन लग रही है, तो उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को अगर ये पर्सनल प्रॉब्लम होती है हमारी, ये उस होटल की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम उसके कारण पर्सनल उसके कारण वो छोटे होटल में चले जाते हैं। वैसे ही राजनीतिक पार्टी भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बोलेंगे तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है और 18 करोड़ मेंबरशिप के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये अपने आप में एक इतिहास है, इतनी बड़ी मेंबरशिप किसी भी आज तक राजनीतिक पार्टी में नहीं हुई है। तो पहला तो ये हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो किसी की पर्सनल अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सनल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसको उसके हिसाब से ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, तब वो अपना पाला बदल देता है। और स्वाभाविक तौर पर मतलब ऐसा अमूमन देखने को आता है कि जैसे अगर केंद्र सरकार में कोई है या राज्य सरकार में कोई है, तो वो उस सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होके वो अपना पाला बदलते हैं। ये लेकिन ये पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैं जानना चाहूंगी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज है और पिछले 3 सालों से भाजपा ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं अपना और कोई नहीं दिखाया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे पेट्रोल डीजल हुआ या फिर किसानों से संबंधित जो भी मैटर है उन पर आंदोलन हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुई। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहती है, जनता की आवाज बनके उसको सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ना है, जो कि फर्स्ट डे से ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिलों में, हमारे मंडलों में, हमारे वार्डों में इस चीज का विरोध ना किया गया हो। इस चीज का विरोध किया गया है। जब डीजल के रेट केंद्र सरकार ने 5 रुपए घटा दिए, तो आपने 1 रुपया भी नहीं घटाया, आपने कुछ मात्र पैसे घटाए, जो कि आपके उतने बढ़ गए थे पैसे जैसे ही रेट डीजल और रेट के वो बढ़ा था, रेट बढ़ा था उसके अनुपात में, उसके हिसाब से आपने पैसा कोई भी नहीं घटाया। दूसरी बात, जो फार्मर्स के लिए जो ये प्रॉब्लम हो रही है, 1 हफ्ते का जो बढ़ाया गया है उसको 1 महीने का अगर कर दिया जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
जितना भी आप समय देंगे, 1,05,000 क्विंटल जो आप, 1,05,000 मेट्रिक टन जो आपको धान खरीदना है, वो तो खरीदना ही है। इसमें होता क्या है कि फार्मर्स का पैसा बच जाता है। अभी उसको अगर एक हफ्ते की कोई मुद्दत हमारे को मिली हुई है तो अभी उसको महंगे में बारदाना खरीदना नहीं पड़ेगा, महंगे में ट्रांसपोर्टिंग नहीं पड़ेगी उसको, महंगे में और बहुत सारी चीजों की नुकसान हो जाता है जो कि नहीं उठाना पड़ेगा। अगर उसको थोड़ी मुद्दत मिल जाती है तो वो अपना जो रेट है वो पूरा अपना ले पाएगा और उसको नुकसान नहीं होगा। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसानों का नुकसान ना हो, और उसके लिए वो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ते रहेगी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बातें छुप जाती हैं और कुछ बातें छप जाती हैं। तो छुपी नहीं, छुपाई गई कुछ बातें, छुप गई थी तो और कुछ बातें छप गई थी। तो इसका लेकिन ऐसा नहीं है कि हम धरातल पे कोई काम नहीं है, धरातल में पूरा काम कर रहा है। कानून व्यवस्था की माने तो दुर्ग जिले में इन दिनों कानून व्यवस्था काफी लचर है। अकेले चार विधायकों के यहाँ पर रहना होने के बावजूद भी विधायकों में दूरी में देखा गया है, हत्या का मामला भी हुआ। दुर्ग जिले में और भी ऐसे के मामले जिनसे कानून की लचरता पड़ता है। विकास और विनाश ऊपर से नीचे आता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो भी प्रशासन है, हमारी तीन तल होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों काम करती हैं और चौथा स्तंभ आप हैं। तो ये जो है, ये जो तीनों स्तंभ है ये काम करती हैं उसके हिसाब से। जैसे अगर शासन मान लीजिए कि स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। और यहां पर प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है आपसी तालमेल की। यहां पर शासन में ही आपसी तालमेल नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने काका और बाबा की लड़ाई देखी है, वैसे ही हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने हाथों में ले रहे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो नेतागण हैं, वो अपने हाथों में चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट भी मेरे हाथ में रहे। उन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ करने को मिलता नहीं है, इसलिए वो निरंकुश भी हो जाते हैं और वो निढाल भी हो जाते हैं, वो बात नहीं मानना चाहते हैं। शासन और शासन में आपसी में ही तालमेल नहीं है और शासन और प्रशासन में भी आपसी तालमेल नहीं है। इस और प्रशासन आज कहीं ना कहीं दबाव में भी है शासन के, क्योंकि अपने आदमियों को देख के प्रशासनिक दबाव, शासनिक दबाव डाल के प्रशासन से वहां पर कमजोर कर दिया जाता है, ढिलाई दे दी जाती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन लाचार हो जाता है और लाचार के साथ साथ फिर वो लचर हो जाता है। देखिए कोई भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर आप राजनीतिक लेंगे, आप दलगत लेंगे और राज्य को देख के नहीं लेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा गलत होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि छुट्टी देना गलत है या सही है, एक आम इंसान समझ के आप बात करेंगे। आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, तो आप अगर एक आम इंसान से बात करेंगे तो क्या वो इस बात से राजी होगा? आज की व्यवस्था को देख के राजी कभी नहीं होगा। ये व्यवस्था है हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, बाहर की कंट्रीज है, उसमें है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये व्यवस्था तो आपने दे दी, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि दूसरी चीजें नहीं दी। हमारे हिंदुस्तान में एक तो छुट्टियां ज्यादा होती हैं, 3 से 4 छुट्टियां हर महीने होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि यहां पर टाइम बेसिस काम होता है, वर्क बेसिस नहीं होता। जैसे आप 10 से 5 बजे तक ही सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं बोला जाता कि आपको 100 फाइलें निपटा के जाना है। यह काम तो होता नहीं है। तो वर्क बेसिस काम नहीं है। वर्क बेसिस जहां काम होगा वहां जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2 दिन नहीं 3 दिन छुट्टी मारे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात जो व्यवस्था करने की है वो है कि आप सरकारी अधिकारी और उनके दफ्तर में एक चार्ट टंगाइए कि इतने दिन में फला फला काम आपका हो जाएगा, आपकी छुट्टी हो या ना हो, आपका अधिकारी आए या ना आए, लेकिन ये चार्ट में जैसे मान लीजिए कि नक्शा खसरा आपने को निकालना है तो इतने दिन में आप आवेदन देंगे तो इतने दिन में आपका नक्शा खसरा आ जाएगा, या कोई भी चीज हो
आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा कि इतने दिन में ये काम हो जाएगा और उतने दिन में आप काम करके दे दीजिए। इससे आम जनता को कोई लेना देना ही नहीं है, इससे आम जनता बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी और पारदर्शिता बहुत ज्यादा आएगी। आप छुट्टी दीजिए या ना दीजिए, इससे सिर्फ एक चीज है कि आम जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। जो कि आज की व्यवस्था को हम देखेंगे तो आज की व्यवस्था में आम जनता का काम और डिले होगा। जैसा कि देखा गया कि इस आंदोलन में किसानों ने अभी पिछले दिनों वेतन दिवस पर ट्रक में रैली निकाली और अपना आक्रोश जताया, तो क्या भाजपा द्वारा इनको समर्थन दिया जाएगा जो आंदोलन में किसान? भारतीय जनता पार्टी हर एक जो भी मुद्दा सही है और जो जनता के हित में है वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलती रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है और जनता के हमेशा साथ में रहती है। जैसे इन लोग का जो मामला था, वो जो मुआवजा देना था वो उतना नहीं दिया गया है जितना कि देना था किसानों ने अपनी जमीनों से जो मुआवजा, और इससे 22 गांव प्रभावित हुए। क्या ये एक तरफ तो भूपेश सरकार बोलती है कि हम किसान की सरकार है, तो क्या ये किसान का ये प्रॉब्लम नहीं दिखता है? किसान की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि इस प्रत्यक्ष रूप से आपने 2500 रुपए का जो रेट तय किया है उसके पीछे का जो घाटा है वो हमें नहीं दिखता है, और किसान भी बेचारा मजबूर है उस चीज को, वो घाटे को लेने के लिए। जैसे पहला घाटा है कि एक महीना आप देरी से उनका धान खरीदी कर रहे हैं, उसमें सूखत आती है, उसमें वेस्टेज होता है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अपने धान की जो उनको रिटर्न्स मिलना चाहिए वो उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाता है, बारदाना उनको महंगे में खरीदना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग उनकी ज्यादा लगती है। इन सब को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग 1900 के आसपास ही पहुंच जाते हैं जो अभी केंद्र का रेट है, और ये दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि 600 का हम लोग ज्यादा रेट दे रहे हैं, और वो भी दिया जाता है हमारे को 2-3-4 किस्तों में दिया जाता है, पिछले साल की किस्त भी अभी तक भी बकाया है। देखिए, समाज चलता है न्याय पे, न्याय बोलता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो तेरे लिए है वही मेरे लिए है, इसमें पंथ जाति किसी का कोई मतलब नहीं है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जिस आज जो आंदोलन दे रहे हैं, जो एक मंदिर को हटाने के लिए बोला जा रहा है, वो सरासर गलत इसलिए लग रहा है कि एक और अमुक जो समुदाय के जो बिल्डिंग आ रही है और उसका ये चौड़ीकरण में आ रहा है उसको नहीं हटाया जा रहा है, उसको भी हटाए। मेन प्रॉब्लम कोई किसी को भी न्याय के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि हस्ताक्षर अभियान से क्या ये हट जाएगा या ये हो जाएगा, तो किसी भी आंदोलन का एक सिस्टम होता है, आंदोलन का सिस्टम होता है, और आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से ही हम प्रस्तुत करते हैं, और सभी चीजें चरणबद्ध तरीके से ही हो तो वो ज्यादा है। अभी हस्ताक्षर अभियान किया गया है, अभी ज्ञापन सौंपा गया है, उसके बाद अगर ये नहीं माना गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा, उससे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन न्याय जो चीज होती है, न्याय सभी को लेना उसका समान अधिकार है, ये हमारे संविधान के हिसाब से। मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्या आपको लगता है कि उनके आदेश से रेत के अवैध उत्खनन करने वालों पर रोक लगेगी? हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि तस्करी, जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी उसके लिए भी आदेश दिए गए थे, उसको भी धरपकड़ चालू की गई थी। मैं ये बोलता हूं कि जब आपको आदेश दिया जाता है तब आप धरपकड़ कर लेते हैं, वो सिलसिला तो पहले से ही चालू है ना, और एकदम से आप जैसे 8 ट्रॉली वहां पर पकड़ी गई रेत की, इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही 8 ट्रॉली हो गई आ रही होगी, एक दिन में तो 8 ट्रॉली पकड़ी नहीं गई है।
ये पहले से ही सब चीजें चालू थी। अभी जब 3 साल गुजर गए हैं, आपने करोड़ों अरबों रुपए की वहां पर उत्खनन कर दिया है, अवैध उत्खनन कर दिया है, अभी आप वहां पर अंकुश लगा रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब, ये आपका प्रशासनिक एक लचर व्यवस्था आपकी दर्शाती है। जैसे ये जो नशीले पदार्थ थे उसमें भी गाड़ियां पकड़ी गई थी, कभी बॉर्डर से पकड़ी जा रही है, कभी उधर से पकड़ी जा रही है, उसके बाद अभी 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 कोई भी आपको इसका समाचार सुनाई में देता है कि ये गाड़ी पकड़ी गई है, ये गाड़ी पकड़ी गई नहीं। आज आप जैसे मीडिया जैसे जागरूक है, मीडिया में अगर कोई डाल देता है कि अवैध खनन हो रहा है, कुछ आंदोलनकारी आवाज भी उठाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके दबाव में आके दिखाने का काम जो है वो सिर्फ किया जाता है। एक आदेश देना और एक मंशा रखना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। और आप आदेश देंगे, मंशा नहीं रखेंगे, तो वो आगे चल के फिर से वैसे ही काम फिर से होने लग जाएगा, जैसे कि पहले हम पूर्व में देख चुके हैं कि आपने कुछ आदेश दिए थे, उसके बाद अभी कोई उसमें कार्रवाई नहीं दिख रही है, वैसे ही ये भी होने वाला है। अभी आपके कार्रवाई दिख रही है और आगे चल के और कार्रवाई नहीं दिखेगी, आगे चल के और कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा, उसमें आप करेंगे। तो ये सिर्फ दिखावा है, मंशा और आदेश में फर्क होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मंशा आप रखें, जैसे ही आप मंशा रखेंगे वैसे हो ही नहीं सकता कि आपके बगैर पत्ता हिल जाए। ये रिकॉर्ड हर मुद्दे में चलता है, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड हर मुद्दे में चलता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, अब हम धर्म के नाम से। इनको मैं बता दूं कि धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ भी नहीं मालूम कि धार्मिक किसे कहते हैं, आप आस्तिक किसको किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है यही नहीं मालूम है। जो धर्म 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 लगाए रखे, आप ये देख लीजिए कि मुद्दे जो होते हैं, हाँ हम धार्मिक है, धर्म उसे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के हिसाब से चलती है और धर्म उसे बोलते हैं कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है उसे धर्म बोला जाता है। आज आपका धर्म है सही चीज दिखाना, राइट? ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है, कोई पोथी पुराण में पढ़ा नहीं है, सही चीज आप उस प्रोफेशन में है। ये हो सकता है कि आज जो आप दिखा रहे हैं वो आज सही हो लेकिन कल के लिए वो सही ना हो, मान लीजिए, तो वो कल आपका वो धर्म बदल जाएगा, कल आपको जो सही चीज है वो दिखाई जाएगी, वो दिखाना आपका धर्म हो जाएगा। तो धर्म वो होता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही काम करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब उसे समझ में आता है कि शराबबंदी के लिए मुद्दा उठाना है वो उठाती है और अभी तक उठा रही है। शराब के कारण कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, 40 लाख परिवार सरवाइव कर रहा है। आज जो हम आपने प्रशासनिक लचर व्यवस्था बताई उसमें भी हम बोलते हैं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ शराब का, क्योंकि यहाँ पर एट ए टाइम जो क्राइम होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नहीं होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो होते हैं 80% नशे की हालत में। नशे की हालत में आदमी को समझ में नहीं आता है और क्राइम कर लेता है, तो वो होता है। और दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अभी हर मुद्दे में जहां जहां गलत दिखता है भारतीय जनता पार्टी को वहां वहां वो गलत चीजें बोलती है। लेकिन आपकी अगर धर्मांतरण की अगर चीजें चलती रहेंगी तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बोलेगी, क्योंकि धर्मांतरण जो स्वैच्छिक हो वो ठीक है, लेकिन अगर वो आप दबाववश या प्रलोभनवश करवा रहे हैं तो गलत बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो धर्म है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो मुद्दे हैं वो उठाए और वो उठाती रहेगी। हाँ हम धार्मिक हैं और इसी लिहाज से हम धार्मिक हैं। रीति नीति सिर्फ एक ही चीज होती है, रीति नीति में विकास मेन होता है। जैसे कि आपने पिछले 7-8 सालों में देखा होगा कि जब झंडा लहराया जाता था और उद्बोधन किया जाता था तो
तो उसमें ये बोला जाता था कि हम पाकिस्तान को देख लेंगे, हम पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। आज भाषण और वक्तव्य वो बदल गए। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, आज हम रोजगार की बात करते हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हम सपोर्ट की बात करते हैं। ये बहुत सारी चीजें बदली हैं। और आपने ये 7-8 सालों में देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम हो चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं। जो जागरूक, आज हम जागरूकता की बात करते हैं, जागरूकता के कारण आज दंगे फसाद कम हो। और ये सभी चीजें मैंने जैसे आपको पहले बोला कि विकास और विनाश ऊपर से नीचे आता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आप पूरे देश भर में देखेंगे तो ये व्यवस्था अभी दिखने लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड है, जो कैडर है, वो कैडर यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेके चलती है। और विचारधारा हर एक राज्य के लिए अलग हो सकती है, और लेकिन मतलब उसके ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा तो वही है, ढंग अलग हो सकते हैं उसके। और विचारधारा यही है कि राष्ट्रवाद हमारे है, हमारे नसों नसों में है, कूट कूट के भरा हुआ है। राष्ट्र जो बोलेगा पहले, राज्य जो बोलेगा, समाज जो बोलेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे और अंत्योदय तक पहुंचेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि केंद्र की और संसाधनों की, राज्य की, समाज की जो असली मालिक है वो यहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं। भारत के हर संसाधनों में भारतीय लोगों का यहाँ पर आधिपत्य है और उनका हक है, वो हर एक इंसान को मिलना चाहिए, सिर्फ 10%, 25% या 50% नहीं, अंत्योदय तक उसका लाभ मिलना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ये उस विचारधारा के साथ चलती है और उसी के कारण वो डेवलपमेंट करती है। तो यही विचारधारा लेके हम आगामी कोई भी चुनाव हो उसी में लड़ेंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, काफी उलझी है, सवालों के जवाब आपने काफी विवादी से दिए। तो ये थे एक मुलाकात में हमारे साथ केएस चौहान के, यहाँ जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान, और अपनी पार्टी के लिए एकदम समावेश करके और एकजुट होकर के वो समर्पित होकर कार्य करते हैं, और हमारे सवालों के जवाब भी उन्होंने काफी बेबाकी और अलहदा अंदाज दिए। मोना बहन बहुत ही।